गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। अब टू प्रीवियस क्लास वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, एंड द चैप्टर नंबर 5 इज डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स। चैप्टर नंबर 5 डिलीट हो चुका है आपके कोर्स से। वी मूव ऑन चैप्टर नंबर 6। द चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मीन ऑफ लाइंस एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एंगल्स। तो आज का जो मेरा वीडियो सेगमेंट रहेगा वो पूरा इसी पे बेस्ड रहेगा कि लाइंस एक्चुअल में क्या होता है और एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, इसी बेस पर आज का मेरा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ लाइंस। ओके, तो लाइन क्या होता है? तो ए लाइन इज डिफाइंड एज ए लाइन ऑफ पॉइंट्स। लाइन कैसे डिफाइन की जाते हैं? लाइन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स। ओके, कैसे? वो भी स्ट्रेट लाइन में। तो लाइन ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड, जो कि एक्सटेंड होते हैं इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। इनफाइनाइटली यानी कि काउंटलेस तरीके से बोथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी वो एक्सटेंड हो सकते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकते हैं पॉइंट्स। ओके, वो कहलाती है लाइन। तो मैंने क्या बताया, लाइन क्या होते हैं? लाइन होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं, मेनी पॉइंट्स, वो इनफाइनाइटली तरीके से बोथ डायरेक्शन, चाहे इस डायरेक्शन में लो लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो बढ़ सकते हैं। ओके, कोई लिमिट नहीं होती है, इसको कितना भी बढ़ा सकते हो इधर से और इसको भी कितना भी बढ़ा सकते हो, दोनों डायरेक्शन से ये फ्री है, तो वो कहलाएगी लाइन। ओके, इट हैज नो एंड इन बोथ डायरेक्शन, इसका कोई एंडिंग नहीं है दोनों डायरेक्शन में, चाहे आप राइट साइड से देख लो चाहे लेफ्ट साइड से देख लो। ओके, अगर आप हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लाइन भी बनाते ना, तब भी आप अप साइड और डाउन साइड से इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, दोनों डायरेक्शन से ये फ्री होते हैं एक्सटेंड करने के लिए, कितना भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। लाइन हैज नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, बिकॉज लाइन क्या होता है? वन डायमेंशनल। ओके, लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती और लाइन इज ए वन डायमेंशनल, मैंने पीछे भी लिखा है लाइन इट इज वन डायमेंशनल। और ये कैसे होता है? वन डायमेंशनल, एक डायमेंशनल होता है। अब डायमेंशनल की बात आती है, तो लाइन वन डायमेंशनल होता है, और जैसे हमारे शेप होते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर, वो टू डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि वहां पर हमको दो उनकी डायमेंशंस पता होती है, लेंथ पता होती है रेक्टेंगल की और ब्रीथ पता होती है, तो जिसमें दो डायमेंशंस हमको पता होती है वो कहलाते हैं टू डायमेंशनल। और थ्री डायमेंशनल शेप क्या होते हैं? जिसमें हमको उनकी थ्री डायमेंशंस पता होती है, लाइक दैट क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड हमको उनकी लेंथ भी पता होती है, ब्रीथ भी पता होती है और हाइट भी पता होती है, तो ये कहलाते हैं थ्री डायमेंशनल। तो लाइन हमारा कैसा है? वन डायमेंशनल। और मैंने इसको एक फिगर बनाया है, ए यहाँ पर ए डिनोट किया, ए बी, और दोनों तरफ एरो है, और इस तरीके से आप लाइन को डिनोट करोगे ए बी, और उस पर क्या करोगे आप? एरो लगाओगे। ओके, एरो जरूर लगाना, अगर आपने एरो नहीं लगाया तो फिर वो दूसरा पार्ट बन जाएगा लाइन सेगमेंट का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इतना नोट करें, फिर मैं आगे लाइन सेगमेंट क्या होता है और वे क्या होता है वो समझा दूं। नाउ स्टूडेंट वी मूव ऑन, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है एंड रे क्या होता है? हमने जो पढ़ा था लाइन के बारे में, लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लाइन क्या होते हैं? बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, जिसका कोई एंड लेस तरीके से बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकती है। लाइन क्या होती है? एंडलेस तरीके से, यानी कि यहाँ से भी एंड नहीं हो रहा, यहाँ से भी एंड नहीं हो रहा, यानी कि दोनों डायरेक्शन में वो इंक्रीज हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। सपोज अब मैंने क्या किया, रूलर की सहायता से इतना मैंने इसका पार्ट अलग कर दिया। सपोज ये 3 सेंटीमीटर, कितना पार्ट अलग कर दिया? 3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा पार्ट अलग कर दिया, सपोज इसको मान लिया पी, इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? लाइन का एक पार्ट है, तो इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जिसमें अब इसको लाइन सेगमेंट अलग से हो गया, ये जो कितना सेंटीमीटर हम मैंने बनाया 3 सेंटीमीटर बनाया, तो लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें दोनों एंड उसके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, दोनों एंड से आप इंक्रीज लेंथ को नहीं कर सकते। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप इसको क्या डिफाइन करोगे? ये 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? जिसके दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो, दोनों बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स हो। तो वही लिखा मैंने, ए पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का वह पार्ट
लाइन का ये पार्ट ही तो लिया मैंने अलग करके, तो लाइन का वह पार्ट विद इट हैज ए बिगिनिंग पॉइंट, दिस इसमें उसका बिगिनिंग पॉइंट भी हो एंड एंड एंडिंग पॉइंट, और उसका एंडिंग पॉइंट भी हो, इसका बिगिनिंग पॉइंट भी होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट भी होना चाहिए, इज कॉल्ड टाइम सेगमेंट। ओके, तो जिसमें उसका बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट को किसी भी डायरेक्शन से आप इंक्रीज नहीं कर सकते, फिक्स लेंथ होती है, डिफाइनेट लेंथ होती है, वही कहलाती है लाइन सेगमेंट। मैंने एक मान लो ये मैंने PQ लिया लाइन सेगमेंट, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, डिनोटेड एज PQ, इस पर कोई एरो नहीं आएगा ना, इधर इस तरफ आएगा ना इस तरफ आएगा, जबकि लाइन में क्या आ रहा था, दोनों तरफ एरो आ रहा था, इधर भी एरो आता इधर भी एरो आता, और लाइन में दोनों एरो क्या शो कर रहे थे कि हम इससे भी इधर इस साइड से भी इंक्रीज कर सकते हैं और इस साइड से भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट में एरो नहीं आ रहा, इसका मीन्स हम दोनों डायरेक्शन से इसको बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा रे। रे को वैसे साफ हिंदी में बोलते हैं किरण, तो रे क्या होता है, रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, रे क्या होता है, लाइन का वन पार्ट होता है, दैट हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, और वो एक डायरेक्शन में एंडलेसली तरीके से बढ़ सकती है, एक तो एंड पॉइंट होता है ओके, और एक डायरेक्शन से वो क्या कर सकती है, एंडलेस तरीके से इंक्रीज हो सकती है, एंडलेस तरीके से आप चाहो उतना उसको बढ़ा सकते हो। लाइक दैट ये सन है, सन की रे, ओके, तो इसका एक पॉइंट है, यहीं से रेज निकलेगी, सन की रेज यहीं से निकलेगी और इनफाइनाइटली तरीके से इनफाइनाइटली लेंथ से अर्थ पर आती है, तो इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। ओके, तो ये इनफाइनाइटली तरीके से यहां पे बढ़ सकती है, लेकिन इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है कहां से निकल रही है, सन से निकल, वो फिक्स है, तो एक एंड फिक्स हो गया और इनफाइनाइटली लेंथ से वो अर्थ पर आती है, तो दूसरा एंड उसका फिक्स नहीं है। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो गया सन की रेज, एलईडी बल्ब की, एलईडी बल्ब की रेज देख लो, ट्यूबलाइट की रेज देख लो, उन सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, लेकिन वो किस इनफाइनाइटली लेंथ से इंक्रीज करती है, तो ये सारे एग्जांपल हो गए किसके, रे के, अंडरस्टूड। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये एंड एक फिक्स पॉइंट हो गया और इस एंड से आप क्या कर सकते हो, उसको इनफाइनाइटली तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, तो डिनोटेड इज एबी, एबी लिख दिया, और ये एबी पर इस तरफ आप इंक्रीज कर सकते हो राइट साइड, तो राइट साइड की तरफ आपको एरो करना है, इस तरफ आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ये फिक्स पॉइंट है, तो इधर आपको एरो नहीं करना है। तो मैंने क्या समझाया, लाइन समझाया, लाइन के दो पार्ट बताए, लाइन सेगमेंट और रे, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट वी मूव ऑन, व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है उसको हमको पढ़ना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन्स होते हैं जिस पर दो लाइंस आपस में आकर मीट करती है या क्रॉस करती है, वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन भी बोलते हैं जिसको, वो होती है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में मीट नहीं करती है, वो कहलाती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये मैंने लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, एंड इंटरसेक्शन इज अ सिंगल पॉइंट, इंटरसेक्शन इज अ सिंगल पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि इस लाइन का ये इंटरसेक्शन इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। ओके, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन इज अ सिंगल पॉइंट, ये एक सिंगल पॉइंट होता है वेयर, जहां पर टू लाइंस मीट, जहां पर दो लाइन आकर क्या करती है, मीट करती है, यानी कि मिलती है और क्रॉस इच अदर, और अपने आप और दोनों को और आपस में क्रॉस करती है, तो आपस में दोनों लाइंस क्या करती है, क्रॉस करती है, एंड कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों का, कॉमन पॉइंट कौन सा, यही है, इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब दूसरी लाइन आती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल लाइंस, तो इसका जस्ट ऑपोजिट, जो दो लाइंस आपस में नहीं काटती है उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, दो लाइंस जो आपस में नहीं काटती वो पैरेलल लाइंस कहलाती है।
तो टू डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट यानी कि समानांतर रेखाएं, ओके, तो टू डिस्टिंक्ट लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग, जो नहीं कटती है आपस में वो कहलाते हैं नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। सपोज दिस वे, ये एक लाइन है, ये उसके ऊपर एक लाइन है, तो ये दोनों आपस में एक इस डायरेक्शन जाएगी और दूसरे दूसरी डायरेक्शन मिलेगी, ये कभी आपस में नहीं मिलेगी। लेकिन सपोज एक ऐसे और एक थोड़ी सी भी झुकी हुई है तो वो आगे चलकर मीट करेगी कहीं ना कहीं। कैसे? मैंने बोला एक लाइन इस तरीके से सीधी है, ओके, और एक लाइन इस तरीके से और इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये लाइन कभी आपस में नहीं मिलेगी बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों आपस में आके कभी नहीं मिलेंगे दोनों लाइन के, तो ये लाइन कहलाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। लेकिन सपोज एक लाइन ऐसे है और एक लाइन हल्की सी झुकी हुई है इस तरीके से, तो ये कहलाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। आप कहोगे ये तो मिल तो नहीं रही है कहीं पे, तो ये कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं इंटरसेक्टिंग, ये आगे चलकर आपस में मिलेगी और ये दो लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी। ये आगे चलकर कैसे मिलेगी आपस में, सपोज इसको जब एंडलेस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से बढ़ेगा, और इसको जब बढ़ाएंगे, जब इसको हम इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ पर आके मिल जाएगा, ओके, तो ये कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन और ये कहलाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स पैरेलल लाइन, वो तभी कहलाएगी जब वो एक दोनों लाइन क्या हो, स्ट्रेट हो, थोड़ी सी भी झुकी हुई नहीं हो। यहाँ पर ये दोनों लाइन स्ट्रेट है तो एक ही डायरेक्शन में एंडलेस तरीके से ये ऐसे सीधा सीधा मूव करेगी और ये भी सीधा सीधा ऐसे मूव करेगी और ये कहीं भी आपस में आगे चल के कटेगी नहीं, ओके, चाहे इस तरीके इस डायरेक्शन में मूव कराओ चाहे इस डायरेक्शन में मूव कराओ। लेकिन मैंने जब ये वाली लाइन, ये लाइन एक सीधी है और ये एक लाइन थोड़ी तिरछी है, ओके, तो ये लाइन जब इस ऐसे देखी जाए तो आपस में नहीं कट रही, लेकिन जब इसको अगर इंक्रीज करवाया जाए ये इस तरीके से इंक्रीज होगी आगे और ये इस तरीके से होगी, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगी, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, जब एक लाइन सीधी और एक थोड़ी सी मुड़ी हुई भी हो तभी वो इंटरसेक्टिंग कहलाएगी, और दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी तभी वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन कहलाएगी। तो लाइन्स में मैंने आज आपको बता दिया लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ओके। लाइन्स में मैंने सारा टॉपिक पढ़ा दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं एंगल्स को लेकर आऊंगा, एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं, उन सबको मैं समझाऊंगा, ओके। आज इतना भी करा आप नोट में नोट डाउन करें, थैंक यू।